Hello everyone, I again welcome you to my YouTube channel Metamorphosis, and today we are going to present the second part in noun errors. Last time I took 5 to 6 noun errors which were very important. Today I am taking 5 errors again, and they are also very important. And in next YouTube video I will be just addressing some of the errors from the adjectives. So let us understand and try to solve them, and these are all very important errors. To chalte hain grammar with Nagend ke dusre section mein, aur isme jo pehla sentence hai mera wo noun ke error ke liye, the weather of Delhi does not suit me. So again ye ek aisa sentence hai jahan par hame ye lagta hai कि ये पूरा सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें सारी चीजें हमारे अंदर रॉन्ग एब्जॉर्व हुई हैं. तो बेसिकली हम इस वर्ड पे बात करते हैं, और इसमें वेदर डब्ल्यू ए टी एच ई आर. सो ये वेदर जो वर्ड है, ये वर्ड है हिंदी में जिसे हम मौसम भी कहते हैं. जब हम इस वर्ड पे फोकस करते हैं तो एक्चुअली एरर हमारा इस वेदर पे है. अगर हम मौसम की बात लें तो मौसम जो है वो इट कीप्स ऑन चेंजिंग, वो लगातार बदलता रहता है. अगर आप यहीं पर नैनीताल जाएं तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर पे धूप है और थोड़ी देर में फॉगी हो गया और थोड़ी देर रेन. तो ये वेदर है जो लगातार चेंज होता है. अब हम जरा दूसरे वर्ड की ओर ध्यान दें जो कि वर्ब है सूट, और इसमें यह देखें कि जो वर्ड सूट है वो चेंजिंग, लगातार चेंज होने वाले मौसम में कैसे सूट कर सकता है? कभी भी नहीं. क्योंकि जब कोई चीज एक एक खास तौर पे स्टेबल रहती ही नहीं है तो उसमें सूट करने का कोई सवाल ही नहीं होता. सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सूटिंग, बिकॉज वेदर इज चेंजिंग. सो इट विल नेवर सूट टू एनीवन, बिकॉज इट इज चेंजिंग एंड चेंजिंग एंड चेंजिंग. तो जब मौसम लगातार चेंज हो रहा है तो इसके सूट करने का सवाल ही नहीं होता. तो इसीलिए ये प्रॉपर नाउन जो है यहां पर यूज नहीं है. इस नाउन को हमें एक जो रिप्लेस करना पड़ेगा, इसके लिए सही नाउन जो है वो है द क्लाइमेट. तो यहां पर जो एरर थी वेदर में थी, और इसको हमें करना होगा क्लाइमेट. क्यों? क्योंकि क्लाइमेट लगभग एक कंसिडरेबली स्टेबल पोजीशन होती है किसी जगह की, जिसको हम बता सकते हैं कि यहां का क्लाइमेट ठंडा है, गर्म है, या नम है, या आर्द है, या शुष्क है. इज इट ह्यूमिड, इज इट ड्राई, इज इट कोल्ड? तो ये लगभग सेम रहता है. जैसे हम कहें कि इफ वी आर टॉकिंग ऑफ हल्द्वानी, हल्द्वानी जो है कंपैरेटिवली एक गर्म जगह है. ठीक वैसे ही अगर वी आर टॉकिंग ऑफ नैनीताल तो कोई भी कह सकता है कि वहां का मौसम ठंडा है, वहां का क्लाइमेट ठंडा है. तो ठंड वहां के क्लाइमेट से लगभग एक जुड़ा हुआ सिनोनिम है. तो सूट जो है वो सिर्फ क्लाइमेट के केस में करता है, वेदर कभी किसी को सूट नहीं करता, क्योंकि वेदर खुद ही एक चेंजिंग जो है सिनेरियो आपके सामने रखता है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए आप वेदर पे एरर का निशान लगाएंगे, और यहां पर आपको आना भी चाहिए. तो द प्रॉपर आंसर इज क्लाइमेट. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस इज क्रेडिट दिस सम इन माई नेम, ये पैसा मेरे नाम पे जमा करा दो. ये भी हमें अपनी परंपराओं से आया है, क्योंकि हम लोग जनरली अपने कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन में यही बात करते हैं कि इतना पैसा मेरे नाम पर जमा करा दो. तो ये एब्जॉर्व हो जाता है हमारे अंदर. लेकिन पैसा कभी भी नाम में जमा नहीं कराया जाता, रादर द नाउन यूज देयर. यहां फॉल्ट यहां पर है, और एरर आप यहां पर मार्क करेंगे, और इसकी जगह होना चाहिए क्रेडिट दिस सम इन माय अकाउंट. तो पैसा हमेशा अकाउंट में जाता है. सो यहां पर जो एरर होगी वो इस सेक्शन में होगी, और अकाउंट आप यहां पर मार्क करेंगे. तीसरा वाला सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसको 99% लोग पकड़ नहीं पाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, साथ ही बहुत इजी भी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है. हिज हैट वॉज ब्लोन ऑफ बाई ए स्ट्रॉन्ग एयर. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या कभी आपने कोई टोपी खरीदी है, हैट खरीदी है? तो जब आप दुकान में जाते हैं तो उस वक्त दुकानदार जैसे ही आपके सर में टोपी रखता है, या फिर आप ट्रायल के लिए रखते हो, तो टोपी उड़ जाती है क्या? अगर नहीं उड़ती तो फिर यह सोचने वाला क्वेश्चन है. क्यों? जहां पर आप खड़े थे दुकान में, क्या वहां हवा मौजूद थी, एयर? अगर मौजूद थी तो फिर इसका मतलब आपकी टोपी वहीं उड़ जानी चाहिए थी, बिकॉज ही इज सेइंग दैट द हैट वाज ब्लोन ऑफ बाय ए स्ट्रॉन्ग एयर.
तो बेसिक बात यह है कि हवा एक्चुअली स्ट्रांग नहीं होती, हवा हर जगह पे मौजूद है, एयर इज एवरीवेयर, आप सांस ले रहे हैं यहां पर भी हवा है। तो स्ट्रांग क्या होता है? स्ट्रांग होता है हवा का झोंका, और उसको कहा जाता है विंड। जब तक हवा मूव नहीं करेगी, जब तक वो झोंका नहीं बनेगी, इट डजंट बिकम विंड, और सिर्फ विंड आपकी टोपी उड़ा सकती है, हवा कभी नहीं। सो द प्रॉपर एरर इज हेयर, और एरर एयर की जगह पे आपका नाउन यूज होना चाहिए विंड। तो हिज हैट वॉज ब्लोन अप बाई ए स्ट्रॉन्ग विंड, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हम जो तीसरा सेंटेंस है, हिज सर्विस हैज बीन टर्मिनेटेड, कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है या उसकी सर्विस खत्म कर दी है। ये एक ऐसा सेंटेंस है, अगर हम इसमें नाउन देखें तो हमारे पास एक नाउन है सर्विस। सर्विस एक ऐसा वर्ड है जो हमारे अंदर फिर से हमारे जो लोकल डायलेक्ट है या फिर जो हम आपस में बातें करते हैं उससे हमारे अंदर एब्जॉर्व हुआ है, और जनरली हम सुनते हैं कि वो गवर्नमेंट सर्विस में, वो प्राइवेट सर्विस में, और इसी तरीके से हम इसको एब्जॉर्व कर लेते हैं कि ये सर्विस है। बेसिकली सर्विस नाम का कोई नाउन नहीं है नौकरी के लिए, इट इज ऑलवेज यूज्ड एज सर्विसेज। जैसे हम कहते हैं हिज सर्विसेज, तो ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है जो हैज बीन, इसमें भी हमको प्लूरल बदलना पड़ता है और ये हो जाएगा हैव बीन। हिज सर्विसेज हैव बीन टर्मिनेटेड, ये करेक्ट होगा और एरर होगी इसमें सर्विस। नाउ द क्वेश्चन अराइज हियर, लोग पूछ सकते हैं कि सर्विस और सर्विसेज में क्या डिफरेंस है। तो आपको पता है कि जो सर्विसेज होती हैं वो जितनी भी जो आप जिसको हम नौकरी कहते हैं, जॉब्स जहां पर आपका HRA, TA, DA फिक्स है, सैलरी फिक्स है और वो आती है और इंक्रीमेंट भी होता है प्रॉपर, और वो लगभग एक के स्केल में समान होती है, तो वो कहलाती हैं सर्विसेज, जिसमें भी हम ऑफिशियली जो है फॉर्मली काम करते हैं। लेकिन सर्विस वो है जिसमें ये कुछ भी फिक्स नहीं होता और हम किसी की भी सर्विस ले सकते हैं। जैसे सर्विस आप किसकी लेते हैं, यू टेक सर्विस ऑफ वेटर, यू टेक सर्विस ऑफ ए प्लम्बर, और ये बहुत ही बिल्कुल वेरिएबल चीज है जो बिल्कुल इस तरीके से फिक्स टर्म्स पे नहीं है जैसे सर्विसेज। तो आज से हम ये कहना शुरू करेंगे कि गवर्नमेंट सर्विसेज, प्राइवेट सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज। इसीलिए IAS का अगर फुल फॉर्म देखें तो होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ये सर्विस इसीलिए वहां नहीं रखता क्योंकि सर्विसेज इज द करेक्ट नाउन। अब आते हैं आगे, ये लास्ट सेंटेंस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लोग जबरदस्ती प्लूरल फॉर्म में सोच लेते हैं इसको भी, क्योंकि ये सेंटेंस कहता है ही डजंट नो इवन अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश, और ये हमें बिल्कुल करेक्ट लगता है और हम इसमें नो एरर मार्क करके आ जाते हैं। लेकिन ऐसा केस ये है नहीं, क्यों? हमारे जो यहां पर नाउन है अल्फाबेट्स में एक पूरी मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक ये है कि हम अगर 26 अल्फाबेट्स की बात कर रहे हैं तो हम सोचते हैं कि प्लूरल है तो 26 हैं तो अल्फाबेट्स होगा। एक्चुअली नाउन में अल्फाबेट्स नाम की कोई चीज ही नहीं है, 26 होने के बावजूद इसको सिर्फ अल्फाबेट कहा जाता है। तो अगर हम इसको देखें तो ही डजंट नो इवन अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश होगा, एस इसमें यूज कभी भी नहीं किया जा सकता। सो दिस इज द लेसन ऑफ टूडे, एंड दीज ऑल एरर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एरर जब हम एक बार होके गुजर जाते हैं तो हमको अपने को रिफाइन करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है, एंड द मोमेंट वी हैव रिफाइंड दिस ये एकदम हमारे माइंड में परमानेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये ऐसी गलतियां हैं जो हमें करते वक्त भी बड़ी इंटरेस्टिंग और इसका रियलाइजेशन होता है, तो ये हमारे सबकॉन्शियस को बहुत ज्यादा अपील करती है और हमें ज्यादा याद रहती है। इसीलिए मैंने ये 5 जो है बहुत कॉमन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एरर नाउंस में ली थी। और भी जो गलतियां हैं, हम लगभग 300-400 ऐसे एरर्स बताते हैं अपनी क्लासेस में जो जिसके बाद नाउंस में कुछ रह नहीं जाता करने को, इसी तरीके से और सब्जेक्ट्स में भी। तो यहाँ पर मैंने एक मॉडल आपके सामने स्पेसिमेन रखा है, क्योंकि यूट्यूब में हम टाइम कंस्ट्रेंट के कारण पूरा रख नहीं सकते। सो आई होप दैट यू ऑल लाइक्ड इट, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी डिमांड रखते रहिए, एंड मेटामॉर्फोसिस विल ऑलवेज बी देयर टू सॉल्व योर ऑल द प्रॉब्लम्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।